मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। एनसीपी पदाधिकारी व समाज सेवक यूनुस शेख की ओर से तनवर नगर नाके पे के रिपब्लिक डे के अवसर पर यहाँ पे झंडा फहराया गया और ये झंडा थाने एसीपी वेंकट आंदले के हाथों से इस परचम लहराया गया। इस मौके पर वेंकट आंदले ने सभी देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। वहीं पे यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज रिपब्लिक डे है, जब भारत की घटना का स्वीकार किया गया आज के दिन, तो मैं सबको आज के दिन के सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो प्रोग्राम रखा है ये मुंबई के लिए बहुत अच्छी बात है। एक सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और झंडा लहराया है और सब ने उसको मानवंदना दिए है और ऐसा ही झंडा अपना ऊपर रहना चाहिए, यही हमारी। देखिए, ऐसा है कि ये एक जागरूकता की एक मिसाल है, ये पूरा मोहल्ला खड़ा है। अक्सर आप देखते होंगे कि झंडा वंदन के लिए एक कम लोग होते हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वही जुड़े हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम नागरिक, यहाँ के तनवर नगर, चांद नगर, अमीनाबाद के सारे रहवासी हैं। नासिर भाई अमीनाबाद से, ये तनवर नगर से, वो अपार्टमेंट से, सब यहाँ के लोगों ने आज ये खुशी का इजहार किया है। आज के दिन हमारे देश का कानून संविधान बना था, उसको जो है झंडा वंदन करके उसको आज एक हमने नई शुरुआत की और इंशाल्लाह हम यहाँ हर साल अब यहाँ पर हमारा जो है ये फ्लैग होस्टिंग होगा। हैप्पी रिपब्लिक डे सबको, हर एक इंसान को। आज के दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे एसीपी सर से आज हमारा झंडा वंदन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। बस अल्लाह सबको कामयाब करे, यही दुआ है।